देखिए लोकसभा आम चुनाव 2024 की बात करते हैं। पहले चरण का मतदान है कल और आज मतदान दलों की रवानगी। जयपुर के 3 स्थानों से मतदान दल रवाना हो रहे हैं। पहली पारी के मतदान दल बसेस के जरिए रवाना हो रहे हैं और दूसरी पारी में 11 से दोपहर 2 बजे तक रवानगी। पहली पारी में भवानी निकेतन कॉलेज से चौमू फुलेरा झोटवाड़ा विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं मतदान दल। जामियातुल हिदाया विश्वविद्यालय से कोटपुतली शाहपुरा विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के मतदान दल रवाना हो रहे हैं। तो वहीं राजस्थान कॉलेज से बगरू किशनपुर चाकसू विधानसभा क्षेत्र के मतदान दल रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काउंटडाउन अब 24 घंटे से भी कम का समय शेष। राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव 19 अप्रैल। पहले चरण के चुनाव की तारीख कल और ऐसे में पहले चरण में जो निर्वाचन आयोग है उसकी कोशिश यही है अलग अलग राजनीतिक दलों की भांति की ट्रांसपेरेंसी और लोकतंत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव आम जनता के चुनाव करवाए जाएं। पहले चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मियों का मतदान दलों का रवाना होने का सिलसिला लगातार जारी है। 2 पारियां इसके लिए निर्धारित की गई है, 7 से 10 और 11 बजे से 2 बजे। जयपुर के 3 स्थान इसके लिए सेट किए गए हैं। 3 स्थान स्थान जहां पर मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। खासतौर पर जिन इलाकों में अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ कैटेगराइज किए गए हैं वहां पर मतदान जो कर्मी है मतदान दल है उन्हें आज पहले रवाना करने से पहले और भी कुछ बिंदु समझाए गए। बगरू विधानसभा क्षेत्र में कई मतलब जो कंपैरेटिवली अगर इसे समझकर देखने की कोशिश की जाए तो बगरू विधानसभा क्षेत्र में जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है वो सबसे ज्यादा है और ऐसे में अगर इस तरह की स्थितियां बनती है तो किस तरह से कंट्रोल में किया जाना चाहिए उन सभी बातों को लेकर के आज एक बार फिर से रिविजनल प्रशिक्षण दिया गया बिंदुवार माध्यम से और उसके बाद जयपुर के अलग अलग 3 स्थानों से मतदान दलों को रवाना करने की प्रक्रिया जारी है। अभी पहली पारी के मतदान दल बसेस के जरिए अपने अपने गंतव्य पर रवाना हो रही है। दूसरी पारी में सवेरे 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक की रवानगी जो कि शुरू हो गई है। पहली पारी में भवानी निकेतन कॉलेज से चौमू फुलेरा और झोटवाड़ा विधानसभा तो वहीं जामियातुल हिदाया विश्वविद्यालय से कोटपुतली शाहपुरा विराटनगर विधानसभा के दल रवाना हो रहे हैं। राजस्थान कॉलेज से बगरू किशनपुर चाकसू विधानसभा के दल रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुट चुके हैं। विनोद, दूसरी पारी का भी समय शुरू हो गया है 11 से 2 का और अब क्योंकि चुनावों में 24 घंटे से भी कम का समय शेष रह गया है तो धड़कने तो तेज है ही, लेकिन मतदान दलों की रवानगी को लेकर क्या अपडेट है? और विनोद, इस समय हम राजस्थान कॉलेज में है और यहाँ से क्षेत्रों के मतदान दल रवाना हो रहे हैं। यानी देखिए कुल 16 जयपुर और जयपुर ग्रामीण में 16 विधानसभाओं के दल रवाना होने थे जिनमें से आधे पहली पारी में रवाना हो गए और आधे अब 3 स्थानों से यानी राजस्थान कॉलेज भवानी निकेतन और जामियातुल हिदाया विश्वविद्यालय से रवाना हो रहे हैं। 2 बजे तक तमाम जो दल हैं वो रवाना हो जाएंगे। सुबह की पारी में के विधानसभा क्षेत्र है लंबी दूरी के बूथ है उनके दलों की रवानी की गई थी और अब जो शहरी क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र है उनके दलों की रवानगी की जा रही है और 2 से 3 बजे के बीच सारे दल रवाना हो जाएंगे। सभी को तीसरे चरण की और अंतिम जो प्रशिक्षण था वो दे दिया गया है कि आपको मतदान किस तरीके से संपन्न कराना है। ईवीएम मशीन अगर खराब हो जाती है तो किस तरीके से उसे चेंज करना है, ईवीएम मशीन की अगर बैटरी काम नहीं कर रही है तो बैटरी कैसे बदली जाएगी। देखिए छोटी छोटी बारीकियां बताई गई हैं ताकि कल आदर्श आचार संहिता के बीच शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके। एक बड़ी बात है जो नवाचार किए गए हैं उनको लेकर भी हम बता दें कि कल मतदान केंद्र पर 2 तरह के नवाचार मिलेंगे। पहले 50 वोटरों को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से। देखिए जिला निर्वाचन अधिकारी से बातचीत में उन्होंने साफ बताया कि किसी को पेन दिया जाएगा, किसी को स्क्रैच कूपन दिया जाएगा, किसी को टी शर्ट दी जाएगी। तो जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में 1,00,000 मतदाताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि वोट क्यू ऐप का इस्तेमाल किया गया इस बार विधानसभा चुनाव में, उसको करना था लेकिन हो नहीं पाया। लोकसभा चुनाव में उसकी शुरुआत की गई है। कल आप घर बैठे देख सकेंगे कि मेरे मतदान मेरे बूथ पर कितनी संख्या है उस ऐप के माध्यम से और अपील की गई है कि आप सुबह ज्यादा से ज्यादा मतदान करें ताकि दिन में आपको गर्मी में टेंट में या खुले में लाइनों में नहीं लगा रहना पड़े। इसीलिए वो वोट क्यू ऐप बनाया गया ताकि आप घर बैठे देख सकें कि मेरे बूथ पर अभी कितनी लंबी लाइन है, लाइन खत्म हो गई तो मैं तुरंत प्रभाव से परिवार को लेके जाऊं और वोट डाल दूं। हर 1 घंटे में वो ऐप अपडेट होगा। तो ये बड़ी सुविधाएं दी गई हैं जिनके माध्यम से मतदान प्रक्रिया कल संपन्न कराई जाएगी और आज 4,325 मतदान जो दल हैं
दोनों पारियों के मिला के वो 3 बजे तक रवाना हो जाएंगे, शाम तक सारी तैयारियां पूरी हो जाएगी। करीब करीब तो है वो महिलाओं के हाथ में रहेंगे जयपुर, जयपुर जिले में, तो उनकी व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की जा रही है। और एक बड़ी बात यह है कि कल मतदान समाप्ति के बाद राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में सारी ईवीएम जमा हो जाएंगी। कल जो कतार लगने, पिछली बार विधानसभा चुनाव में लंबी कतार इसीलिए लगी थी कि इन्होंने जो व्यवस्थाएं थी वो उन मतलब जिस दिन मतदान था उसी दिन करी थी, लेकिन आज वो सारी व्यवस्थाएं आज ही पूर्ण कर ली गई है कि कल ईवीएम मशीन आएगी, टोकन जमा कराएंगे, टोकन जमा कराते तुरंत स्ट्रांग रूम में रख दी जाएगी। तो कल का समय बचाने के लिए भी आज ही मशक्कत की गई है। दो तरह की कार्रवाई आज चल रही है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता के बीच चुनाव संपन्न कराने की पूरी कोशिश रहेगी जिला निर्वाचन विभाग की। जी बिल्कुल विनोद, और अब क्योंकि समय बहुत ज्यादा शेष नहीं रह गया है, इसमें ये कोशिशें और ज्यादा व्यापक स्तर पर, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।